टेक न्यूज़ में आज बहुत कुछ है खास, बहुत सारी न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए और आज बहुत सारी न्यूज़ है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले Xiaomi के MIA1 से। MIA1 जो कि Android 1 प्रोग्राम पर बेस्ड Xiaomi का स्मार्टफोन है, जो कि Flipkart पे पहले मिल रहा था 15,000 रुपए का, अब उसकी कीमत हो गई 14,000 रुपए, 1,000 रुपए प्राइस ड्रॉप हो गया, मैंने कल की वीडियो में बताया था। लेकिन आज उसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस पर आ गया है Android 8 का अपडेट, एंड्रॉयड 8.0 ओरियो का अपडेट जो है वो आ गया। एक हफ्ते पहले Xiaomi ने बीटा प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अनाउंस किया था कि जिनको भी टेस्टिंग करनी है वो उस पर साइन अप कर सकते हैं और बीटा मेंबर बन के उसकी सॉफ्टवेयर के अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर Xiaomi ने सीधे रिलीज़ कर दिया है, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि Xiaomi ने फाइनली रिलीज़ कर दिया है एंड्रॉयड 8.0 का अपडेट। 1140 MB के आसपास ये अपडेट होगा और अगर आप MIA1 के यूज़र हैं तो बस आपके पास बहुत जल्दी ये पहुँचने वाला है अपडेट। स्नैपटिक से कंपनी है जिसने ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर बना दिया है। भैया फेस आईडी का जमाना अब जाने वाला, अभी एप्पल इसी साल इंट्रोड्यूस किया था और अब कुछ यूनिक लेके स्नैपटिक्स अपने आ गया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जनवरी के बाद से जितने भी स्मार्टफोन आएंगे या जनवरी के एंड में, उन सभी में यानी कि स्नैपड्रैगन 845 वाली डिवाइसेस जो होंगी या और कुछ डिवाइसेस स्नैपड्रैगन 600 सीरीज की जो हो सकती हैं, उन पर भी ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल सकता है। जैसे कि आपके हाथ में ये फ़ोन होगा, जैसे ही आप इस पर अपना थंब प्लेस करेंगे आपके थंब से ही फ़ोन ही अनलॉक हो जाएगा। अभी पीछे बैक साइड पर ये स्कैनर दिया हुआ है जिससे मैं इसको स्कैन करता हूँ, टैप करते ही ये अनलॉक हो जाता है। तो कुछ उस तरीके से आपको मिलने वाला ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्वालकॉम के साथ स्नैपटिक्स मिलकर ये डिवाइसेस तैयार करेगी और बहुत तेज़ी से मास प्रोडक्शन कर रहा है अपने इस नए चिप का जो उसने डिज़ाइन किया है। एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स पे ये चिप सबसे पहले आने वाली, ये एक अच्छी खुशखबरी हम जैसे एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। और LG के फ़ोन के जो दीवाने हैं यानी कि वो क्यूटी जो अभी भी आजकल मार्केट में, जिन्हें LG का फ़ोन बहुत पसंद है, तो उन सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि भैया LG V30 Plus जो है आज इंडिया में लॉन्च हो रहा है। आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, बैकपैक कर लीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड्स हाथ में ले लीजिए और कैश में लेना चाहे तो कैश में लीजिए। LG V30 Plus आज इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगर आप यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात है यूज़ करते होंगे, हर कोई आज के टाइम पे यूज़ करता है, तो इंस्टाग्राम पे कई सारे अपडेट्स आ गए हैं जिसमें सबसे बेहतरीन अपडेट जो मुझे कल दिखा है वो ये है कि एंड्रॉयड के जो यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम जो एंड्रॉयड फ़ोन पे यूज़ करते हैं उन सभी को हैशटैग पे, आईफोन पे भी रिलीज़ हो चुका है पहले लेकिन एंड्रॉयड पर भी ये फाइनली आ गया है, तो आप हैशटैग्स को फॉलो कर सकेंगे। सपोज़ कीजिए आपका हैशटैग है नेचर, तो हैशटैग नेचर पे टैप करने के बाद आप उसे भी फॉलो कर सकेंगे। अभी तक आप पर्सन्स को या फिर किसी सेलिब्रिटीज़ को या ब्रांड्स को इस तरीके की चीज़ों को ही फॉलो कर पाते थे, तो यहाँ पर अब आपको एक नया ऑप्शन मिलने वाला है फॉलो करने के लिए। आप हैशटैग पर टैप करके डायरेक्ट उनको फॉलो कर सकते हैं। इसी हफ्ते इंस्टाग्राम ने कई सारे अपडेट्स रिलीज़ किए हैं, जैसे कि स्टोरी हाईलाइट्स उन्होंने रिलीज़ कर दी, आप स्टोरीज़ को अपने हाईलाइट कर सकते हैं और आर्काइव भी आ गया, यानी कि अब आपकी स्टोरीज़ आपके फ़ोन में सेव ना होकर आपके आर्काइव में सेव हो जाएंगी, जो कि हमेशा रहेंगी परमानेंटली। तो 24 घंटे के बाद जो स्टोरी गायब हो जाती थी, हाईलाइट्स पे टैप करके आप उसको 24 घंटे से ज़्यादा तक अपनी स्टोरी पे रख सकते हैं। इस तरह के कई सारे फीचर्स इंस्टाग्राम ने इस हफ्ते रिलीज़ किए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के बीटा यूज़र हैं तो आपके पास ये अपडेट्स आ चुके होंगे, और बीटा यूज़र नहीं है तो बहुत जल्द आपके पास ये अपडेट्स आने वाले हैं। और बात करें अगर एक एप्लीकेशन और अपडेट जो आया है वो है गूगल का, गूगल के जो गूगल फ़ोन एप्लीकेशन है, यानी कि अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करते होंगे तो आपको ये दिख भी गया होगा, गूगल के जो फ़ोन एप्लीकेशन पर गूगल डुओ का इंटीग्रेशन फाइनली गूगल ने पूरी तरह से कर दिया है। जैसे ही आप टैप करेंगे इमेज भी आप देख पा रहे होंगे, तुरंत आपको वीडियो कॉलिंग के ऑप्शन पर गूगल डुओ लॉन्च हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने इसे इंटीग्रेट कर दिया है अपने गूगल फ़ोन ऐप में, तो अगर आप गूगल का फ़ोन ऐप यूज़ करते हैं फ़ोन कॉल्स करने के लिए, तब आपको वीडियो कॉल के ऑप्शन की जगह पर कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप सैमसंग यूज़र्स हैं तो आपको अभी भी ऑप्शन मिल जाएगा कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल जियो के 4G नेटवर्क से वॉइस ओवर LTE के थ्रू वीडियो कॉल करने का। और बाकी अगर कोई और कंपनी देती होगी तो मुझे उसके बारे में शायद अभी आइडिया नहीं है ना कि कौन कौन सी कंपनीज दे रही हैं। नोकिया 6 का 2018 वाला जो मॉडल आने वाला है वो 10 Apple सर्टिफिकेशन उसका पास हो गया है। नोकिया 6 जो है बहुत जल्दी मार्केट में आ सकता है, उम्मीद करें अगर तो जनवरी के लास्ट वीक में ये आपको दिख भी सकता है। अमेज़ॉन पर एक पोस्ट आ जाएगा अमेज़ॉन पे भी कि भैया इसे खरीदने के लिए तैयार, अमेज़ॉन पे ही बिकेगा नोकिया 6, तैयारी कर लीजिए। अगर आपने नोकिया 6 का ये वाला वर्जन जो अभी बिक रहा है उसे खरीदा है तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको इस बार मिलने वाले हैं नोकिया 6 के 2018 के मॉडल में। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी के J5, J7, A8 और A5 वाले मॉडल होते थे एक बार 2016 फिर 17, तो कुछ उस तरीके से नोकिया भी वही ट्रेंड कॉपी कर रहा है। अब यहाँ पर भी वो 2016-17 के मॉडल के बाद अब 2018 का मॉडल निकालने वाला है। और अमेज़ॉन पे चल रही है सैमसंग हैप्पी आवर्स सेल, जिसमें आपको गैलेक्सी ऑन 5 और ऑन 7 स्मार्टफोन काफ़ी सस्ते रेट में मिलने वाला है। तो अगर आपको ऑन 5 या ऑन 7 खरीदना है तो आप सैमसंग के इन दोनों फ़ोन खरीदने के लिए अमेज़ॉन पे जा सकते हैं, नीचे लिंक दिया है, टैप कीजिए और जाके खरीदिए, मौज कीजिए। धन्यवाद आप सभी के इस वीडियो को देख लिए, अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को आने वाली अगली दूसरी बहुत सारी टेक न्यूज़ के लिए।